Hello friends, welcome to our channel Finance and Entertainment. So today we are talking about why HDFC bank share is going down. However, a lot of blue chip companies share has gone down and are available at a very attractive price. So let's understand like why HDFC bank has tanked 8% on the Friday session. एक सैनफोर्ड सी बर्नस्टीन करके एक ब्रोकरेज फर्म है जिसने कि एच डी एफ सी बैंक को अंडर परफॉर्म का रेटिंग दिया है विच अर्लियर इट वॉज अ मार्केट परफॉर्म रेटिंग वॉज देयर फ्रॉम सैनफोर्ड बर्नस्टीन. इसकी वजह से ये बैंक का शेयर जो है काफ़ी टूटा है फ्राइडे के मार्केट में. हाउएवर अदर कंपनीज हैव गॉन अप. एच डी एफ सी बैंक हैज़ नॉट शोन एनी सेंस ऑफ रिकवरी. इन्होंने जो प्राइस टारगेट दिया है वो ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है. 1400 था पहले जो कि अब 750 रुपीज़ कर दिया है विच इज़ अ ह्यूज डाउनग्रेड ऑन अ कंपनी लाइक एच डी एफ सी बैंक. अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक जो है वो एक बहुत ही क्वालिटी कंपनी है एंड दे हैव सीन दिस काइंड ऑफ क्राइसिस इन द पास्ट एंड हैज़ मैनेज्ड क्वाइट वेल एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स फील दैट इट इज़ अ सेफ हेवन. हाउएवर इन द करंट पेंडेमिक सिचुएशन बर्नस्टीन को लगता है कि एच डी एफ सी बैंक कैरी सर्टेन इडियोसिंक्रेटिक रिस्क एंड यूनिक मैनेजमेंट चैलेंजेस एज वेल. जैसे कि आपको ये एक गौतम चुगानी करके एक एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि इन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी क्राइसिस को मैनेज किया है बट आज की तारीख में जो पेंडेमिक सिचुएशन है कोरोना वायरस का उसमें इनको लगता है कि कुछ क्राइसिस हो सकती है. और मैनेजमेंट क्राइसिस तो चल ही रहा है जो कि मैनेजमेंट चेंज होना है, इसमें जो सक्सेसर ढूंढ रहे हैं और ये जो असाइनमेंट है वो इगॉन जेंडो को दिया हुआ है. तो अब हम बात करते हैं ये ब्रोकरेज जो बिलीव करता है कि इंडिया मे बी फेसिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन हैंडलिंग द हेल्थ क्राइसिस. तो अभी तो इंडिया में बहुत कम है बट बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है कोरोना वायरस का जो खतरा है, और यही कंज्यूमर लेंडिंग बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है. और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एच डी एफ सी जो बैंक है वो कंज्यूमर फाइनेंस मार्केट का लीडर है एंड इसकी जो बॉटम लाइन जो है 24% अर्निंग का जो आता है वो कंज्यूमर लेंडिंग से आता है एंड 36% अर्निंग ग्रोथ जो आता है वो अनसिक्योर्ड कंज्यूमर फाइनेंस से आता है. तो इसी वजह से सैनफोर्ड बर्नस्टीन को लगता है कि ये एक रिस्क हो सकता है एच डी एफ सी बैंक को लेके, जो कि ऑनेस्टली लाइक लॉट ऑफ पीपल लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स थिंक दैट ओके दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय दिस स्टॉक. एंड आपने पास्ट में भी देखा होगा कि कोई भी एच डी एफ सी बैंक जैसी फ्रेंचाइजी को लेकर छोड़ना नहीं चाहता है और बहुत ही लॉन्ग टर्म के लोग इसमें पैसा रखे हुए हैं और बनाते रहे हैं एंड दे हैव shown a phenomenal growth to those people as well. अब बात करते हैं एच डी एफ सी बैंक का जो एक्सपोजर है वो अनसिक्योर्ड रिटेल क्रेडिट के ऊपर है जो कि 17% है जो उनकी टोटल लोन बुक है. और इफ़ यू कंपेयर दिस विद आई सी आई सी एज एन एक्सिस बैंक तो वो कुछ उनका जो एक्सपोजर है अनसिक्योर्ड रिटेल लोन को वो है 9%, जबकि यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक का जो अनसिक्योर्ड रिटेल लोन का जो एक्सपोजर है वो 17% है विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट डबल व्हाट आई सी आई सी आई बैंक एंड एक्सिस बैंक हैज़ द एक्सपोजर इन दिस काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड लोन. तो वो एक रिस्क ये बर्नस्टीन मानते हैं कि भाई एच डी एफ सी बैंक को ये रिस्क हो सकता है. अब इसी के जस्ट ऑपोजिट एक और रिपोर्ट आई है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, यूबीएस की. यूबीएस ने इसमें बाई कॉल का एक कॉल दिया है एचडीएफसी बैंक पे विद अ टारगेट ऑफ रुपीज़ 1480 ओवर 12 मंथ्स. अगर 12 महीने के लिए देखते हो तो उनको लगता है कि 1480 है. जस्ट ऑपोजिट एक रिपोर्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग. अब उनके अकॉर्डिंग क्या है, उनको ये लगता है ट्रेंड इन अनसिक्योर्ड रिटेल असेट क्वालिटी आर स्टेबल. 80% ऑफ द अनसिक्योर्ड लोन्स आर टू द सैलरीड एम्प्लॉयज़. तो उनको लगता है 80% तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ को मिला हुआ ये लोन और विच कंप्राइजेज गुड स्ट्रॉन्ग कंपनीज एज वेल. तो और जो SME पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक है वो भी वेल डाइवर्सिफाइड है जियोग्राफिकली ऑल्सो एंड इंडस्ट्री वाइज ऑल्सो. सो दे डू नॉट एक्सपेक्ट अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द असेट क्वालिटी. 70-75% जो SME लोन है वो सिक्योर्ड है. The bank also has accounts of promoters and employees which helps bank in tracking the health of SMEs. अगर SMEs के अगर promoter का भी account HDFC bank में ही है तो they can at least track that okay promoter जो है अपना holding वो अपना जो पैसा तो नहीं निकाल रहे हैं. अगर वो होता है तो at least they can track what is happening
विद दोज SMEs एंड अकॉर्डिंगली एक्ट ऑन इट. तो ये एक सिचुएशन है जो कि जस्ट अपोजिट UBS बोल रहा है और सैनफोर्ड बर्नस्टीन बिल्कुल अपोजिट चीज़ें काउंट कर रहा है. अगर हम बात करते हैं HDFC बैंक की, तो UBS के हिसाब से इनका बहुत ही लो एक्सपोजर है एयरलाइंस बिजनेस में, जो कि आप भी जानते हैं कि बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस दी आर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी रफ पैच. बैंक हैज़ लिमिटेड एक्सपोजर टू रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, बट बिलीव्स द सिचुएशन इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन. तो जो ये तीन इंडस्ट्री हैं, जो एयरलाइन हो गया, रेस्टोरेंट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, ये तीन को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है कोरोना वायरस की वजह से, और इनका एक्सपोजर बहुत ही लिमिटेड है या नहीं है. अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेस. सो क्वार्टर एंडेड डिसम्बर 2019, द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड इंटरेस्ट इनकम ऑफ रुपीज़ 25,265 crores, विच इज़ अप बाई 3.83% फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर इंटरेस्ट इनकम ऑफ 24,000 crores एंड अप बाई 15.42% फ्रॉम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इंटरेस्ट इनकम, राइट. तो द बैंक हैज़ रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 7,659 crore इन द लेटेस्ट क्वार्टर. तो काफ़ी अच्छा बैलेंस शीट है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है, सब कुछ ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी ठीक है, पैट भी ठीक है. तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड बाय फॉर HDFC बैंक. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन.